नमस्कार, मैं कृष्ण आर्य एडवांस भारती न्यूज से, और आज हम पहुंचे हैं महाराज संजय दास जी के पास। गुरुजी आदेश। आदेश, जय श्री राम। गुरुजी, आज देश के अंदर जो हो रहा है, जैसे अब साक्षी की हत्या हुई और उससे पहले भी इस साल में जो पिछले साल गई है इसमें भी 90 के आसपास लड़कियां तो बोरियों में मिली हैं, और देश के अंदर जो कहीं ना कहीं के लोग हैं वो कहीं ना कहीं देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, देश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं महाराज जी आपका एक बार परिचय दें थोड़ा सा। जय श्री राम। मेरा नाम नागा संजय दास, अखिल भारतीय सरपंच रामानंदी महानिर्वाणी निर्मोही ने अखाड़ा से नागा शपथ ली है। गुरुजी, मेरा यही था कि मतलब ये हत्याएं कब तक होती रहेंगी? ये तो सनातन काल से नियम है, असुरों और देवताओं का युद्ध जैसे चलता रहता है, और आज तो असुरों की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। राजा जब तक धर्म की स्थापना नहीं करेगा, धर्म की स्थापना का मतलब पहले तो सबको पता होना चाहिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, असुरों के क्या गुण हैं, देवताओं के क्या गुण हैं। हम देव संपदा के मतलब मानव हैं या आसुरी संपदा के, शिक्षा के माध्यम से ही बताना पड़ेगा जी। कि भाई ये जो अवगुण है ये असुरों के अवगुण हैं, असुरों के गुण आधे लोग मतलब असुरों के गुणों से हैं और आधे देवताओं के जी। हम चाहते हैं कि भाई कोई परेशान ना हो, कोई तंग ना हो, किसी को बलात्कार ना हो, किसी की हत्या ना हो, और असुरों का काम ही ये करने का, इनका बंदोबस्त थोड़ा ही समय में बन जाओगा। महाराज जी, जैसे पीछे आपने पता है कि साल दो साल पहले बंबई में भी दो साधुओं को बुरी तरह मारा गया था, बिल्कुल पुलिस ने ही उनके बीच में छोड़ दिया था, और अब भी देश के अंदर जो इस तरह की घटना हो रही है, अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, वहाँ पे बीच सड़क के ऊपर गाय को काटा गया है और बिल्कुल लाइव वीडियो डाली गई है, और लड़कियों को भी इसी तरह मारा जाता है, काटा जाता है, उसकी वीडियो बना के डाली जाती है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान तो धर्मज्ञ राजा ही है जी। अभी जो कमियां दिख रही हैं आने वाले समय में ये सब कमियां समाप्त हो जाएंगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में तो आज से 5-6 साल पहले भी गाय काटी गई सरेआम चुराहों पर जी, जी। और आज भी वही काम कर रहे हैं जी। असुर अपना काम करने से पीछे नहीं हटेंगे और वो करते रहेंगे, उसको रोकना कैसे है वो अपने को सोचना पड़ेगा जी। जो भी सभ्य समाज है, जिसको सनातन परंपरा से संबंध है, जिनका है तो सबका ही सनातन परंपरा से, परंतु अज्ञानवश भूल चुके हैं, और आने वाला समय जो है वो असुरों को ऐसे ही विहीन कर दिया जाएगा पृथ्वी से, जैसे श्री राम जी ने किया था। महाराज जी, हम किसी भी राजनीतिक दल की बात न करें, और हम चाहते हैं कि सनातन का जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सनातनी है, तो अपना बचाव के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, और जो हमारी बहनें हैं हम उनको क्या समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं? पहली बात तो अपने बच्चों को शिक्षा दो जी, कि भाई असुरों के गुण कौन कौन से हैं, असुरों के बारे में समझाओ कि ये असुर हैं जी। इनके संपर्क में किसी भी तरीके से, असुरों के चाहे स्त्रियां भी हैं वो भी आसुरी संपदा की हैं, उनके किसी से कोई संबंध ना हो। अपने बच्चों को समझाओ कि अपने को किस लाइन के हम सदस्य हैं, किस लाइन के मनुष्य हैं, हमारा कर्म क्या है, असुरों से मेल मिलाप, खाना पीना, रहना सहना, इनके साथ उठना बैठना, कितने भी प्रेमी क्यों ना बने, उनको उनसे दूर रहें, उनके नज़दीक जाने की प्रयास ना करें। परंतु आजकल लड़कियाँ मेरा असलम ऐसा है, मेरा फसलम ऐडा ऐसा है, ऐसे ऐसी जो आस की कह दें हम जी। प्रेम के चक्कर में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर रही हैं जी। उनके साथ होना भी ऐसा ही चाहिए जी। क्योंकि जिसने अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं रखी वो फिर इस समाज में रहने के काबिल भी नहीं है। महाराज जी, आज देश के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चीन के पैसे पर चलती हैं, और कुछ गतिविधियां ऐसी हैं हमारे देश के अंदर जो पाकिस्तान के फंडिंग से चलती हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से फंडिंग मंगा के हमारा जो समाज है इसमें जाति पाति का जहर घोल रहे हैं, तो हमारे समाज को एकजुट कैसे करें? समाज को एकजुट करने का एक ही पर्याय है भाई, अपने सकारात्मक विचारों को समाज के सामने रखते रहो जी। और समाज को जगाने का प्रयास करो, जितना प्रयास चल रहा है वो बहुत कम है, और भी ज़्यादा
उम्मीद है कि मतलब समाज जागेगा। अब चाइना फंडिंग कर रहा है, एक पाकिस्तान फंडिंग कर रहा, पाकिस्तान तो गया, पाकिस्तान तो मतलब खुद ही कटोरा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कटोरा उठाए घूम रहे हैं। रही बात चाइना की, तो चाइना भी कुछ समय के पश्चात धीरे धीरे अपने आप डाउन हो जाएगा। गुरु जी, चाइना तो डाउन हो जाएगा, लेकिन जो चाइना का झंडा उठाकर हमारे देश में हमारे समाज के बीच में जो लोग लाल झंडा ये उठाए बैठे हैं और हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि ये झंडा है किसका और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, उसके बारे में पूछ। लोगों को इन पार्टियों के बारे में जो दल बने हुए हैं जी, कम्युनिस्ट जैसे, उनके विषय में समझना चाहिए कि ये किन के विषय मतलब लाभकारी हैं। ये भारत के लाभ के लिए हैं कि मतलब चाइना के लाभ के लिए हैं? ये जितने लाल झंडा उठाए बैठे हैं ये सब के सब चाइना से ही कन्वर्टेड लोग हैं। सकल सूरत से तो भारतीय हैं, पर इनके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो पूरे के पूरे नेगेटिव हैं। वो धर्म को न मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। महाराज जी, अगला सवाल मेरा ये था, अब समाज के अंदर जो जहर घोलने वाले लोग हैं, जैसे भी के किसी भी दलित लड़की के साथ अत्याचार होता है, अपने आप को दलितों का मसीहा कहता है, वहाँ जाके कोई वीडियो नहीं डालता, उनके समर्थक में कोई समर्थन में किसी तरह का कोई प्रदर्शन या कुछ नहीं करता और न ही कुछ बोलता, क्योंकि जब कोई लड़की मुस्लिम से पीड़ित होती है उस टाइम वह नहीं बोलता, और जब हमारे समाज की कोई आपसी वैसी घटना हो जाती है उसमें जहर घोलने का काम करता, उसके बारे में क्या? इनका काम है फूट डालो राज करो जी, कभी दलितों के नाम पे। आजकल हरियाणा के अंदर भी देख रहे हो, जितने भी मतलब खालिस्तानी गतिरोध चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, वो खालिस्तानी कौन है जी? वो देखने में तो सिख दिख रहे हैं पर वो अंदर से पूरे पूरे कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, और वो हरियाणा के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं और पूर्ण रूप से अराजकता फैलाने का माहौल बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर भी, यूपी के अंदर भी। सत्य पर यूपी तो कंट्रोल कर लिया, हरियाणा के अंदर जो है ना शासन अभी लचर है। अब पंजाब के अंदर लगभग 40% से ज़्यादा लोगों को ईसाई बनाया गया है और बड़े बड़े स्कूल खोले गए हैं, बिल्कुल जो लोहे के पाइप होते हैं टेबल हम लगाते हैं उनके साथ क्रॉस के निशान बड़े बड़े लगाए जाते हैं, और यहाँ पे खालिस्तानी खालिस्तान मांगने की बात कर रहे हैं, क्या वो खालिस्तान में सफल होंगे या अपना खुद का पंजाब उन ईसाइयों से बचा सकेंगे? खालिस्तान में तो जब वो सक्सेस हो सकते थे पहले, यदि कांग्रेस सरकार यहाँ होती तो जी, जी, पूरे भारत में जी, पर अब इनका एजेंडा कुछ नहीं है। मान बने चार दिन के लिए ईसाई बने, आने वाला समय सनातन धर्म का ही है, और इनको जब पता चलेगा कि हमारा बाप कौन है, हमारी हम किसकी औलाद हैं, तब ये वापस सनातन धर्म में ही रहेंगे। कांग्रेस के समय से ज़्यादातर बातें फैलाई गई कि सिख धर्म है, और आज तक भी जो गुरु गोविंद साहिब का जो ग्रंथ साहिब लिखा है उसमें भी कहीं धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद कहा था कि एक पंथ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि सिख क्या है और कैसे बढ़े। सिख समाज सनातन धर्म का ही एक अंग है जी, और सिख क्यों बने थे? इन मुगलों से, अत्याचारियों से, असुरों से युद्ध करने के लिए जी, हर घर से एक बड़ा लड़का गुरु के समर्पित कर दिया था कि जाओ और इन असुरों के खिलाफ युद्ध करो जी। जिन ने गुरु की सिखलाई मान ली वो सिख कहलाए, और प्रत्येक हिंदू ने प्रत्येक सनातन धर्म से एक एक परिवार का एक एक लड़का बड़ा लड़का सिख धर्म में मतलब सिख समाज में सम्मिलित हुआ। वो एक सेना है जी, वो एक फौज बनाई थी इन असुरों से लड़ने के लिए जी। जैसे हमारे संतों के बीच में नागाओं की फौज होती है, किससे लड़ते हैं? धर्म और राष्ट्र के लिए ही लड़ते हैं जी। और ये भी धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए बनाए थे, परंतु अब दिख रहा है पंजाब के अंदर या कहीं भी कनाडा पनाडा जो भी दिख रहा है ना, ऊपर पगड़ी है, मूछें हैं, दाढ़ी है, दिखने में पूरे सिख दिख रहे हैं परंतु अंदर मुसलमान बैठे हैं। अंदर क्रॉस है या फिर क्रॉस नहीं है, वो सिख धर्म सिख मतलब जो ये गुरु ग्रंथ साहब है इसके फॉलो ही नहीं कर रहे, उसके पता ही नहीं कि उनको अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या गुरुवाणी है, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो जो पाकिस्तान और चाइना से प्रेरित हो रहे हैं जो कुछ लोग हैं, बस कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं है। सिख समाज बड़ा आज भी मतलब इसी चीज़ पर खड़ा है कि मतलब हम सनातन धर्म के अंश हैं, पूरा अंग है उनका जी। पर कुछ लोगों ने क्या है कि टोपी उतार के पगड़ी बांध ली है और वो दिखने में सिख हैं जी। जो भी वो गतिविधि करेंगे एक देश के खिलाफ करेंगे लगेगा कि सिख कर रहे हैं। सिखों को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, सिखों को सनातन धर्म से तोड़ने के लिए पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस समय वर्तमान में।
गुरु जी, मेरा आखिरी सवाल है छोटे से शब्दों में, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? और न सिख, मतलब क्या है? ये हम सब संप्रदाय ही है मान रहे हम तो। सनातन धर्म जिस टाइम पूरी विश्व की लोगों को जब ये पता चलेगा कि हमारा संबंध कहाँ से है, तब ये सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म का फॉलो करेंगे। आगे आने वाले समय के अंदर मैं बता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर गीता महाभारत और रामायण का अध्ययन करा जाएगा, वेद और उपनिषदों का अध्ययन करा जाएगा, और सब अपने मूल से जुड़ेंगे, अपनी जड़ से जुड़ेंगे। जितने भी कन्वर्टेड हो चुके हैं वो सब ये समझो कि भूले हुए हैं कि हमारा असली घर क्या है, और ये सब के सब वापस आएंगे। ये समय की अभी डिमांड है, क्योंकि सब दुखी हो चुके हैं, जितने भी संप्रदाय, जितने मत मजहब जितने बने हैं। मत मजहब क्या है? मुसलमान जिसको बोलते हैं हम, भाई ये मुस्लिम समाज जी, जी। मुस्लिम समाज को किसने तंग कर दिया? किसी ने नहीं तंग कर किया, वो खुद ही अपने आप को दूसरे एक दूसरे को मार रहे हैं। 52-53 देश हैं, उनके अंदर कोई दूसरा देश थोड़ा युद्ध कर रहे हैं, मुस्लिम ही मुस्लिम के खिलाफ लड़े हुए हैं, सिया सुन्नी कुर्द लड़ाके फलाना दिखड़ा। तो ये ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, इनका इतिहास ही छोटा है, 1450-1600 साल का इनका इतिहास है, और आने वाले समय में ये अपने आप ही कट कट के मरेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरु जी। जैसे कि आपने महाराज संजय दास जी को सुना, जो कि हर समय चाहे गीता है चाहे पुराण है या फिर चारों वेद हैं, हर समय इन्हीं का अध्ययन करते हैं, और महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते, आपने पहले भी कई वीडियो सुनी होंगी। शास्त्रों के अंदर भी इनका वर्णन है जी, भविष्य पुराण के अंदर इनका वर्णन है जी, महाभारत के अंदर इनका वर्णन है जी, और भी मतलब जो करें एक शास्त्रों में इनका वर्णन आया है कि इस समय मतलब जो करें ऐसे ऐसे अधार्मिक और पूरे आतंक पैदा करने वाले, पूरे पृथ्वी पर कोलाहल मचाने वाले महमूद जन्म लेंगे, और उस समय लेंगे मतलब जो समय दिया हुआ है, और इसके बाद में ये 1500-1600 साल के अंदर अपने आप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनसे पूरी पृथ्वी तंग आ चुकी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह पर इनका आतंक पूरी पृथ्वी पर दिख रहा है जी। ये भारत में ही सुखी हैं, बाकी सब जगह अब इनको डंडे से लिया जा रहा है जी। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिमों में अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, पर वो बोल नहीं सकते, उनको पता भी चलने लग रहा है कि हम कहाँ से जुड़े हुए हैं, पर वो मजबूरी में इनके मुल्ला मौलवी जो बड़े होते हैं वो इनके अंदर जो जहर भर रहे हैं, इनको चलाने वाले जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, आम मुसलमान का कोई किसी चीज़ का कोई ताल्लुकात नहीं किसी चीज़ से, पर उनको वो प्रेरित किया जाता है अधर्म के प्रति जी। और अधर्म इनका लक्ष्य है जी। मैं तो बोलता हूँ कि असुरों की फौज है ये, असुरों की फौज है ना जी। अब जनता को जब पता चलेगा कि हम सनातन धर्म से हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए थे पहले भी, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सनातन धर्म ही था जी, चाहे जरासंध हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे कंस हो, और चाहे बड़े बड़ी शक्तियां बाहर के दूसरे देशों की हों, सभी जगह शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था, और सभी जगह शिव की पूजा होती थी, सब जगह ब्रह्मा और विष्णु जी की पूजा होती थी। आज वर्तमान के अंदर सब भूल चुके हैं, परंतु जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहीं पता चल रहा है कि हम तो फॉलोअर ऋषि के थे, मैन पावर के। बहुत बढ़िया गुरु जी। और गुरु जी का आपने सुना है, जो गुरु जी ने बताया है आपने पूरा का पूरा सुना है, जो असुर किस्म के लोग हैं वो मिट जाएंगे धरती से, या फिर उनका जो अंत समय होगा बहुत बुरा होगा, फिर किसी नई अपडेट के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस बात न्यूज़, हरियाणा।